A very good morning to all of you. Good morning from Rishikesh. So, आज हमने डिसाइड किया कि हम ऋषिकेश एक्सप्लोर करेंगे क्योंकि परसों लक्ष्मण झूला लेके गए थे आपको, कल रिवर राफ्टिंग कराई और आज आके जो मेन मेन पॉइंट्स हैं वहाँ जा रहे हैं। टेम्पो लिया है हमने बिकॉज टैक्सी वगैरह का ट्रैफिक बहुत रहता है और हमें इजी सही रहता है ये ऑटो रिक्शा है यहाँ का या टेम्पो है। तो यहाँ पर अगर आपको पूरा एक्सप्लोर करना है तो उसके लिए अगर आप ऑटो ले रहे हैं तो इनका यूनियन है जो रिक्शा यूनियन, तो उस वहाँ से आपको ये स्लिप कटवानी पड़ेगी और ये स्लिप जब हम पूरा घूमने के बाद इनको वापस देंगे तब इनको भाड़ा मिलता है यहाँ से। तो पहुँच गए हैं आज के पहले स्पॉट पे जो कि है त्रिवेणी घाट और यहीं पे ऋषिकुंड भी है। सो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। बहुत प्राचीन है, यहाँ पर ऋषि महात्मा सब ऋषि तपस्या किए, उनके तप से वरदान से हमन कुंड में यमुना माता प्रकट हुई, तब उधर गंगा माता है, ये जमुना माता है, सरस्वती बदना सागर से मिलती है अंडरग्राउंड, तब इसका नाम तिमिर संगम है, ये जल यहाँ से गंगा ही जाता है। तो ये कुंड के अंदर से होता है या तो पहले? हाँ, ये जल अपने आप जल निकलता है जमीन से, अपने आप ही जल निकलता है। श्री ऋषिकेश नारायण श्री भरत भगवान मंदिर में और जो कि बद्री जो विष्णु जी के अवतार हैं और अभी अभी हमें बताया गया है कि जो बद्रीनाथ जी है उनका जब पट खुलता है तो उसकी जो पूजा होती है वो यहाँ पूजा होने के बाद ही वहाँ पट खोले जाते हैं। तो मुझे भी ये चीज़ नहीं पता थी, तो काफ़ी अच्छी चीज़ मुझे पता चली तो मैंने सोचा आप लोगों को भी साझा करूँ। हमें फ़िलहाल मंदिर के अंदर और ये मंदिर जो है ये विष्णु जी का मंदिर है और आप देखेंगे अंदर विष्णु जी की साक्षात मूर्ति है। मंदिर के दर्शन करने के बाद अब आए हैं यहीं के मंदिर के संग्रहालय में जो पुरातत्व विभाग वालों ने बनाया हुआ है। फिलहाल हम आए हैं जानकी झूला और जानकी झूला जैसे राम झूला और लक्ष्मण झूला है उस पर गाड़ियाँ वगैरह अलाउड नहीं है, पर जानकी झूला जो है ये प्रॉपर ब्रिज बना हुआ है तो इसके ऊपर से टू व्हीलर्स वगैरह भी अलाउड है और पैदल भी आप चल ही सकते हैं। तो दूर से एक व्यू देता हूँ आपको, कितना सुंदर लग रही है ये जगह। अब हम आए हैं राम झूला पर और राम झूला पर भी सबसे बड़ा जानकी झूला था यहाँ पे। मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि है ना, क्या होता है ना, औरतों का दबदबा तो रहता ही है, तो राम जी और लक्ष्मण जी का झूला थोड़ा छोटा है और जानकी जी का झूला बहुत बड़ा है। मतलब देख लो, ये प्रथा पहले से चली आ रही है। राम झूला क्रॉस करके हम आ गए अपोजिट साइड में, अब हम लोग जाएंगे वाइट सैंड बीच पे। वाइट सैंड बीच जो है ऋषिकेश की खासियत है और यहाँ से आपको दिख रहा होगा वो वाला पोर्शन, ये वाला पेड़ के पीछे वाला, वो है वाइट सैंड बीच। तो वहाँ की जो रेत है वो पूरी वाइट है, चलते हैं वहाँ पर। आपने काफ़ी सारी मूवीज़ वगैरह में देखा होगा लोग ऋषिकेश वगैरह का दिखाते हैं, वहाँ कैंपिंग वगैरह करते हैं, तो ये उसी रेत का पार्ट है, मतलब इस टाइप का ही वो रहता है एरिया।
आज का हमारा टूर हो गया कंप्लीट, आ गए हैं वापस से अपने हॉस्टल में और आज रात करेंगे हम पार्टी। यहाँ माहौल बहुत सही बन रहा है, ऑसम। इन हाउस पार्टी रखी है इन्होंने, वैसे तो इनके घर वालों के लिए और फ्रेंड्स के लिए थी पर हम हमें भी इनवाइट किया गया है। तो दिखाते हैं आपको बाहर का कुछ माहौल।